अगर आपका बजट है 10,000 के आसपास और आप इस प्राइस रेंज में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन खोज रहे हैं तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे गेमिंग फोन बताएंगे जो कि 10,000 के प्राइस रेंज में काफी दमदार फीचर के साथ मिल जाएगा। गेमिंग फोन में कुछ बातें जरूरी होता है, जैसे अच्छा पावरफुल प्रोसेसर होना, अच्छा खासा रिफ्रेश रेट होना तथा रैम स्टोरेज का भी होना बहुत जरूरी होता है। और आप बैटरी का तो चिंता छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 10,000 प्राइस वाला जितना भी फोन है सभी में आपको 5,000-6,000 एमएच का बैटरी मिल ही जाता है। इसलिए बैटरी के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, मेन फोकस हमारा प्रोसेसर। अगर ये सब चीज अगर फोन में है तो आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। ये सारा फीचर आपको इन तीनों फोन में देखने को मिल जाएगा। हमने इन तीनों फोन का फीचर वाइज रैंकिंग किया है, 3 से स्टार्ट करेंगे, घटते हुए 1 नंबर तक जाएंगे। 1 नंबर वाला फोन आपको काफी बेस्ट देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हमारे लिस्ट का पहला फोन आता है रियलमी की तरफ से, Realme 30A। आपको बता दें कि ये फोन थोड़ा सा पुराना है, लेकिन गेमिंग के लिए ये फोन काफी परफेक्ट है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर काफी हैवी दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन का कुछ छोटे मोटे फीचर से। तो ये फोन आपको थोड़ा सा भारी महसूस करा सकता है, क्योंकि इसका वेट 209 ग्राम है। 9.8 mm का ये पतला फोन दिखेगा आपको तथा लगभग 3 इंच का चौड़ा फोन दिखेगा। 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा इस फोन में। आप इस फोन में 2 4G SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, यानी कि डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। ये फोन Android 10 के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। ये तो था मोबाइल का कुछ बेसिक फीचर। तो चलिए अब मेन फीचर की बात कर लेते हैं इस फोन का। स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिस्प्ले से। तो 6.5 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट तथा 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। वही बात की जाए पावर हाउस का, तो 6000mAh का एक बड़ा बैटरी दिया गया है, जिसको स्पीड में चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। 6000mAh का बैटरी गेमिंग फोन के लिए काफी परफेक्ट होता है। वही बात की जाए इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। आपको बता दें कि इस फोन में प्रोसेसर काफी हैवी दिया गया है, जिससे आप पॉपुलर गेम फ्री फायर या BGMI जैसे गेम काफी आसानी से खेल सकते हैं। आपको बता दें कि ये फोन स्पेशल गेमिंग के लिए ही बनाया गया था, इसलिए इस फोन में कैमरा पे उतना ध्यान नहीं दिया गया है। डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां मेन कैमरा 13 MP का देखने को मिल जाएगा। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो 8 MP का दिया गया है। वहीं आगे तथा पीछे का कैमरा 30fps पर फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर आप फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं प्लस अच्छा खासा कैमरा भी होना चाहिए, तो अगला वाला फोन आप ही के लिए है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं बात की जाए इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप इसमें 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। आपको बता दें कि इस फोन का प्राइस 9,999 रुपया आपको पड़ जाएगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट फोन की बात कर लेते हैं। वो फोन समझ लीजिए कि ऑलराउंडर फोन देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नंबर 2 पे हमने जिसको रखा है वो भी रियलमी की तरफ से आता है, Realme 50A। पिछला वाला जो फोन बताए वो Realme Narzo 30A था, और ये Realme Narzo 50A है। उस फोन से अच्छा फीचर आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस फोन का कुछ बेसिक फीचर से। तो ये फोन आपको थोड़ा भारी महसूस करा सकता है, क्योंकि इस फोन का वेट 207 ग्राम है। 9.6 mm का पतला फोन दिखेगा आपको तथा लगभग 3 इंच का चौड़ा फोन दिखेगा। 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। आप इस फोन में 2 4G SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड को लगा सकते हैं, यानी कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में। ये तो था कुछ बेसिक फीचर इस फोन का। तो चलिए अब मेन फीचर की बात कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिस्प्ले से। तो 6.5 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट तथा 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का। तो आपको बता दें कि इस फोन में कैमरा भी आपको काफी धांसू देखने को मिलेगा। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 50 MP का देखने को मिल जाएगा तथा 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पर। आपको इस फोन में कैमरा से कोई शिकायत नहीं होने वाला है। वही बात करें इस फोन का पावर हाउस का, तो 6000mAh का एक बड़ा बैटरी दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 18W फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। चार्जिंग में थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज कर पाएंगे। आप इस फोन में 6-7 घंटा तक तो आराम से गेमिंग कर सकते हैं। वही बात की जाए इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर दिया गया है, जिससे आप काफी हैवी गेमिंग कर सकते हैं। फ्री फायर या BGMI जैसा गेम तो काफी आसानी से आप इस फोन में कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रैम तथा स्टोरेज का। 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। ऐसे तो इस फोन का प्राइस 11,500 रुपया है। अगर आप कार्ड वगैरह यूज कीजिएगा तो 11,500 ना पड़ के 10,000 ही पड़ेगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट फोन की बात कर लेते हैं। अब वो फोन हमारा सबसे बेस्ट फोन होगा।
हमारे लिस्ट का आखिरी फोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 10S। बात करते हैं इस फोन का कुछ बेसिक फीचर से, तो उन दोनों फोन से भारी ये महसूस करा सकता है क्योंकि इसका वेट 211 ग्राम है। 9.2 mm का थोड़ा पतला फोन दिखेगा, वहीं 77 इंच का चौड़ा फोन दिखेगा आपको। 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है, आप इसमें 2 4G सिम तथा 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, यानी कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में। ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। ये तो था कुछ बेसिक फीचर, चलिए अब मेन फीचर की बात कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिस्प्ले से, तो 6.8 इंच का HD प्लस एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा IPS पैनल के साथ। डिस्प्ले आपको इस फोन में काफी बड़ा देखने को मिलेगा। वही 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट तथा 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप गेमिंग काफी स्मूथली कर सकते हैं। वही बात की जाए इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, जिससे आप काफी हैवी गेमिंग कर सकते हैं इस फोन में। वही बात की जाए इस फोन का पावर हाउस का, तो 6000 mAh का एक बड़ा बैटरी दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 18W फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। चार्जिंग में थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज कर पाएंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होने वाला है। 6GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा, आप इसमें 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब बात आता है कि फोन का प्राइस कितना है। आपको बता दें कि इस फोन का प्राइस ऐसे तो 10,999 रुपया है, लेकिन अगर आप कार्ड वगैरह यूज कीजिएगा तो 9,500-10,000 में मिल जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं आपको, उन दोनों फोन के मुकाबले में इस फोन में काफी हैवी फीचर दिया गया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फोन लेना पसंद करेंगे। अगर आप हमसे पूछिएगा कि इन तीनों फोन में से आप कौन सा फोन लीजिएगा, तो हम बोलेंगे इन्फिनिक्स हॉट 10S लेंगे, क्योंकि इसमें फीचर काफी हैवी दिया गया है। अदरवाइज आपकी मर्जी। यही था दोस्तों आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।